ओम शांति। 8 नवंबर 2024 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। बाबा बोले सफलता मूर्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है हर समय की तपस्या। और जैसा समय जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति वैसे समय को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना। इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग और तपस्या से सफलता मिलती है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सफलता की विशेष युक्ति बताते, त्याग और तपस्या। जैसे एक बाप दूसरा ना कोई, यह हर समय की तपस्या है। वैसे ही जैसा व्यक्ति हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेना, इतना इजी होकर रहना, यही त्याग है। तो बाबा कहते त्याग और तपस्या के बैलेंस के आधार पर स्वतः और सहज सफलता मिल जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में यह स्वमान पक्का हो जाएगा और हम अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मोज का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। इस संगम युगी श्रेष्ठ मर्जीवा जन्म में स्वयं भाग्य विधाता भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर मुझ आत्मा की पालना कर रहे हैं। मुझ आत्मा को श्रेष्ठ प्राप्तियों से
भरपूर बना रहे। ऐसा श्रेष्ठ जन्म सारे कल्प में, अभी एक बार ही प्राप्त होता है। यही श्रेष्ठ जन्म चढ़ती कला का जन्म है। यही श्रेष्ठ जन्म भगवान से मिलन मनाने का जन्म है। यही जन्म सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का जन्म है। इसी श्रेष्ठ जन्म में श्रेष्ठ पिता परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है। इसी जन्म में स्वयं विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के हमें निमित्त बनाते हैं। तो अनुभव करें, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा हूं। मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे,
रूहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचो। देवताई जीवन में पाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशे में रहे। कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा
तो कभी मजे में रहेंगे कभी मूंझेंगे। तो सदा इसी स्मृति में रहें कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। मेरा ब्राह्मण कुल देवी देवताओं के कुल से भी ऊंचा है। सतयुग में मेरी पालना देवी देवताओं द्वारा होगी। अभी स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा मेरी पालना करते हैं। सर्व संबंधों की मुझे अनुभूति कराते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न संपूर्ण बनाते हैं। तो अनुभव करें मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे। रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे। रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं।
कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और कल के स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।